फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं एक ऐसा पैक जो आपको इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन देगा। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं फेनल सीड से टोनर, स्क्रबिंग और साथ में ऐसा पैक। ये 3-in-1 स्टेप है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपका स्किन शाइन करेगा। तो फ्रेंड्स ये अवॉइड करता है जो रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस को अवॉइड करता है, साथ में जिनको ब्लैक स्पॉट होते हैं सेल डैमेज को रिपेयर करता है और स्किन में जो भी दाग धब्बे होते हैं उसे रिमूव करके बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक देता है। तो चले फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं फेनल से पैक, टोनर और साथ में स्क्रबिंग। तो फ्रेंड्स ये मैंने फेनल सीड लिया है यानी सौंफ, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टोनर बनाने की तैयारी कर लेते हैं ताकि ये 20 मिनट्स लगेंगे इसको बनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है गर्म पानी, बिल्कुल हॉट वाटर होना चाहिए और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर फेनल पाउडर यानी सौंफ का पाउडर और इसे हम रख देंगे जब तक ये अच्छे से इन्फ्यूज ना हो जाए पानी में। तो फ्रेंड्स इससे अच्छे से मिक्स करके मैं 20 मिनट्स के लिए इसी तरह से रख दूंगी। आफ्टर 20 मिनट्स ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद इसे हम एक स्प्रे बॉटल में रखेंगे। बट उससे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करूंगी जिससे ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये जो होता है बहुत ही अच्छा होता है टोनर गर्मी के लिए और स्पेशली जिनके पोर्स होते हैं ओपन पोर्स उनको ये श्रिंक करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गुलाब जल, साथ में 4 to 5 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड किया है, आलमंड ऑयल ऐड करना है 4 to 5 ड्रॉप्स और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू। तो नींबू नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक देता है, यंगर लुक देता है। विटामिन ई का जो ऑयल ऐड किया है हमने आलमंड ऑयल, ये नरिश करेगा आपके स्किन को और साथ में जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है ओपन पोर्स के प्रॉब्लम है उसे ये सॉल्व आउट करेगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है और ये हमारा टोनर बनकर तैयार है। तो इसे अब मैं एक फनल के थ्रू स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी और इसे आपको अप्लाई करना है 4 to 5 times a day, 4 से 5 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं सारा दिन में, बहुत ही अच्छे से ये हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सा टोनर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये जब भी चाहे आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेंडली है आपके स्किन को। तो फ्रेंड्स टोनर हमने बना के रख लिया है और सबसे पहले स्टेप होगा हमारा स्क्रबिंग का। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर पाउडर किया हुआ सौंफ और इसमें मैं ऐड करूंगी दही और इसमें लेमन जूस ऐड करना है। तो इसमें मैंने 1/2 लेमन जूस ऐड किया है। तो ये आपके एक्ने वगैरह को बहुत ही अच्छे से सॉल्व आउट करता है, डीटैन करेगा आपके स्किन को, स्क्रबिंग करेगा और साथ में डेड सेल्स को रिमूव करता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा स्क्रबिंग बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा फर्स्ट स्क्रबिंग का। तो इसे स्क्रबिंग करना है अपने फेस को, तो मैंने फेस में कुछ नहीं लगाया है और ओनली काजल है और लिपस्टिक है, तो इसीलिए मैं कोई वाइप नहीं कर रही हूँ और सिंपली इससे आपको फेस को स्क्रबिंग करना है 2 मिनट के लिए। जो डेड स्किन होता है वो रिमूव होगा और साथ में बहुत ही अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे चेहरे पे शाइनिंग आएगी आपके। तो इस तरह से आपको करना है, आप एवरी ऑल्टरनेट डेज भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में इसमें हमने जो दही लिया है ये आपके स्किन को ड्राई होने नहीं देगा, तो एटलीस्ट इसे 2 मिनट्स के लिए करना है और सिंपल वॉश कर लेना है फिर अपने फेस को। इसे मैंने 2 मिनट्स इसे अच्छे से स्क्रबिंग कर लिया है फेस को और सिंपल मैं वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड्स फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसी तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिससे बहुत ही अच्छा था स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा टोनर जो हमने फेनल सीड से बनाया है। तो ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, साथ में दाग धब्बे को भी रिमूव करता है, हाइड्रेट करता है आपके स्किन को। तो इस तरह से आप कोई भी स्प्रे बॉटल या जो भी ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे अप्लाई करना है
और इसे आप अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो और भी अच्छा इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। स्किन बहुत ही अच्छा स्मूदन होता है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे यूज कीजिएगा। जिनको बहुत ज्यादा पोर्स की प्रॉब्लम है उससे भी बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलता है इस तरह से। बात फ्रेंड्स हम अप्लाई करने वाले हैं फेस पैक जो और भी ज्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग बनाएगा आपके स्किन को। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा हनी अराउंड 1 टीस्पून के बराबर, साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर फेनल पाउडर यानी सौंफ का पाउडर और 1/2 लेमन जूस ऐड करना है इसमें। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर बेसन यानी ग्राम फ्लोर और साथ में जो हमने टोनर बनाया था उसे हम ऐड कर लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट स्टेप जो है फाइनल फेस पैक। तो इसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्किन शाइन होगा। आपको सिंपल इसे लगा के और ड्राई होने देना है। इस तरह से अब मैं इसे छोड़ देती हूँ ड्राई होने के लिए और सिंपल आपको वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड्स फेस को मैंने वॉश कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है। तो ये डी टैन करेगा आपके स्किन को, जो अभी समर में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाता है स्किन, तो बहुत ही अच्छे सा ये रिलीफ देगा। और साथ में जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, रिंकल्स है, वो सारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको फॉलो करना है नाइट में, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से कोई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।